सिवान जिले के मैरव नगर पंचायत चुनाव के छठे दिन मैरव ब्लॉक में चेयरमैन पद के लिए मीरा देवी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि नामांकन होने के बाद उनके समर्थकों ने चेयरमैन प्रत्याशी मीरा देवी और समाजसेवी प्रतिनिधि संदीप तुराव को गर्मजोशी के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि संदीप तुराव नामांकन होने के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ बताया है। आज अपने आज आपकी माता जी ने नामांकन किया है अध्यक्ष पद से, शायद तो क्या कहेंगे, आज नामांकन दाखिल हो चुका है, क्या कहेंगे? सबसे पहले कि आपके चैनल को, आप सभी के चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ब्लॉक प्रांगण के में आकर और हम लोगों का कार्यक्रम का आप लोगों ने बैठ ले रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और नामांकन का सवाल है तो बहुत ही अच्छा रहा नामांकन आज का दिन, और पूरा जनता जनार्दन हम लोगों के सपोर्ट में है, पूरी जनता साथ में है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम। क्या लग रहा है चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? पहले प्राथमिकता है बड़ा नाला जो यहाँ की समस्या है, सबसे बड़ा समस्या। बहुत लोग 20-20 साल से यहाँ पर लूट कर रहा था, कुछ लोग 5 साल लूट किए और सब एक ही बात कहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसी को ध्यान आ नहीं गया। इसलिए कि वो छिटका जब पड़ता है शरीर पर, जब पैदल आप निकलेंगे तो ये कचरा जब रहेगा, छिटका जब शरीर पर पड़ेगा तब आपको महसूस होगा कि इस गंदगी को साफ करना है। तो हम पैदल चलते हैं, हमको महसूस होता है कि छिटका को, गंदगी को साफ करना है। बड़े लोग तो फॉर्चूनर से जाते हैं और छिटका मार के चले जाते हैं कि लोगों को शरीर पर जाता है। तो मेरी प्राथमिकता है कि बड़े नाला को झरई में गिराना, और इधर है सियाही और नौका टोला को जो भी नाला है उसको उधर सियाही नदी में गिराना पहला प्राथमिकता। लगातार भ्रष्टाचार मैरवा की सबसे बड़ी समस्या रही है, जो भी कार्यकाल रहे हैं हर कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं, और आप भी 5 वर्ष से कार्यकाल में हैं, आप शायद 5 वर्ष से वार्ड पार्षद हैं, तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके स्तर से क्या लड़ाई लड़ी गई? सबसे ज्यादा हम ही ने लड़ा, अकेले 12 लोगों ने सत्ता का मजा लिया और मैं अकेला लड़ता रह गया, बहुत ही गरीब परिवार से और सच्चाई के साथ लड़े। आज जो भी लोग आज दिखाई दे रहा है मीडिया के सामने या आपको क्या बोलते हैं RTI के माध्यम से, वो सारा पेपर मैंने दिया गया है, जितना पेपर मैं नगर पंचायत से दिया था वो आज RTI के माध्यम से आपको पूरे मार्केट में दिख रहा है। हम नहीं होते तो RTI वाले भी नहीं होते, ये जान जाइए। हमने गलत का निश्चित तौर से विरोध किया, 5 साल तक विरोध किया, इसके वजह से हमको टॉर्चर भी करने का काम किया। पूर्व के जो भी यहाँ के पार्षद और जो चेयरमैन थे, उप चेयरमैन थे, बहुत ही टॉर्चर किया गया हमको, लेकिन उसके बाद भी जनता के विश्वास था कि हम जनता एक दिन हमारे साथ रहेगी, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। लगातार 1 साल से 24 घंटा मैं जनता के बीच में था, प्रत्येक घरों में जा जाकर डोर टू डोर मेहनत करता था कि मुझे जनता से आशीर्वाद मिले। मैं जो जनता का चौपाल जब लगाऊंगा, जो हमने घुमा पा रहा हूँ 13 वार्ड में, तो वहाँ का समस्या देखा कि भाई कहाँ नाला नहीं है, किसका वृद्धा पेंशन नहीं है, कौन मेडिकल से ग्रसित है, किसका घर नहीं है, कहाँ पानी की जरूरत है, कहाँ नलका की जरूरत है, किसको एम्बुलेंस चाहिए, किसको घर चाहिए, किसको राशन कार्ड चाहिए, किसको विकलांग पेंशन चाहिए। लगातार मैंने ये सब आकलन किया और तब जाके मेमोरेंडम बनाया कि मैं इस पे काम करूंगा। और लगातार ये आपको दवा करता हूँ, ऊपर वाला ना हारा है तो 25 साल कोई माइक लाल हराने वाला नहीं है, सिर्फ काम के बल पर। अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, मैं यही अपील करना चाहता हूँ अपने मैरवा की सभी जनता से कि मैं संदीप कुमार तुरा 24 घंटा फ्री हूँ, जब चाहे जिस रूप में चाहे आप मुझे यूज कर सकते हैं, अपने यहाँ बुला सकते हैं, अपने थाली में बैठा खिला सकते हैं, बड़े लोगों से भेंट नहीं होगा और हमसे रेगुलर भेंट होगा, हमारे घर पर भी आ सकते हैं। बहुत ही छोटा, बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि पूरे मैरवा की जनता एक बार हमको मौका दे, मैं आपके समक्ष रह के, आपके साथ रह के, आपके बातों को सुन के और आपके माध्यम से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और रहूँगा, तत्पर आजीवन मैं हूँ, आजीवन रहूँगा। संदीप कुमार तुरा समाज सेवी हैं, मैरवा नगर पंचायत से 15 सालों से लगातार लगे हैं और 5 साल पूर्व में वार्ड पार्षद मेरी मां रही है और 1 साल से लगातार चेयरमैन पद के लिए प्रयास कर रहे हैं।